CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन। प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बंजारन ने कुम्हार और ठठेरे के बारे में जानकारी दी है। आलेख विभा देव सरे का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। तो भाई तुम सब इंतजार कर रहे हो बंजारन का। आज देखते हैं कि बंजारन कौन सी नई कहानी सुनाती है। चलो दोस्तों बातचीत करो बंजारन से। नमस्ते बच्चों। अरे जोर से बोलो भाई। हां शाबाश। अरे भाई बच्चों आज तो हद हो गई। ऐसी लड़ाई हुई कि पूछो मत। अरे किससे लड़कर आ रही हो बंजारन? पोपटलाल, अरे भला मैं क्यों किसी से लड़ती? मुझे क्या तुमने झगड़ालू समझ रखा है? अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो बंजारन। देखो दोस्तों, बंजारन का गुस्सा दूर करने के लिए जरा एक बार जोर से ताली बजाओ। और जोर से ताली बजाओ। बस बस बस। चलो बंजारन, अब तो बताओ कि किसकी लड़ाई हो गई? हां तो बच्चों, बर्तनों में लड़ाई हो गई। तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा कि बर्तन भी आपस में लड़ते हैं। नहीं, बर्तन आपस में कभी नहीं लड़ते। लड़ ही नहीं सकते। अरे लड़ना झगड़ना तो सिर्फ बंजारन का काम है। अरे बर्तन भी कभी लड़ते हैं? सुनो तो सही। अरे हां हां बच्चों, बर्तनों में लड़ाई हुई। आज गांव की हाट में बहुत गड़बड़ हो गई। झनकू कुम्हार और ठनकू ठठेरा पहले तो आपस में बहुत लड़े, अब बैठे रो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ बंजारन? बताती हूं। ये तो तुम जानते ही हो कि गांव में हाट लगती है। तो हुआ ये कि आज सवेरे मैं हाट में गई। हाट में सवेरे से ही भीड़ होने लगती है, इसीलिए बहुत से दुकानदार रात को ही अपना सामान लाकर वहां रख देते हैं। तो भाई आज हाट लगने का दिन था। झनकू कुम्हार ने भी अपने मिट्टी के बर्तन पहले से ही वहां लाकर रख दिए। ठनकू ठठेरे को और तो कोई जगह मिली नहीं। वो अपने तांबे पीतल कांसे और लोहे के बर्तनों को झनकू के मिट्टी के बर्तनों के पड़ोस में रखकर
चला गया। दोनों ने अपने अपने बर्तनों को टाट के बोरों से ढक दिया। अरे इतने में क्या देखती हूँ कि दोनों के बर्तनों में बहुत जोर से झगड़ा शुरू हो गया। भाई अब हुआ ये कि जब झनकू और ठनकू अपने अपने बर्तन रखकर चले गए तो ठनकू के बर्तन ठनकने लगे और बोले, हम चमचम चमकने वाले बर्तनों के बीच ये मिट्टी के बने मटमैले बर्तन किसने रख दिए? हम कीमती बर्तन हैं, धातु के बने हैं और ये ठहरे मिट्टी के बर्तन दो दो पैसे में बिकने वाले हैं। इन्हें तो जब तक कोई अच्छी तरह ठोक बजा कर देख न ले खरीदता तक नहीं। ये कहकर ठठेरे के बर्तन खूब जोर से हंस पड़े। मिट्टी के बर्तनों को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वो बोले, अरे अरे ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें मत करो। हाँ तुम शायद ये भूल गए कि तुम्हारे पेंदे में भी छेद होता है और टपकने लगते हो। और मजा तो तब आता है जब ठठेरा तुम्हें हथौड़ों से खूब पीटता है। ठठेरे के बर्तन बोले, चुप रहो जी चुप रहो, तुम्हें भी तो कुम्हार थपकी देता है और हाथों से पीटता है। कुम्हार के बर्तन बोले, अजी हमारा कुम्हार तो हमें पहले चाक पर घुमाता है, सैर कराता है, बड़े प्यार से हमें सहलाता है और हमारे ऊपर हाथ फिराता है। हाँ फिर हमें चाक से बाहर निकाल कर एक हाथ से हमें पकड़ता है, दूसरे हाथ से थपकी दे देकर संवारता है। तुम इस प्यार भरी थपकी को हथौड़े की चोट कहते हो? अरे वाह, तो बंजारन ठठेरे के बर्तनों ने क्या कहा? अरे ठठेरे के बर्तन बोले, और तुम ये भूल गए कि कुम्हार तुम्हें प्यार भरी थपकी देकर अवा की आग में डालता जाता है। कुम्हार के बर्तनों ने कहा, अरे तो तुम्हें भी भट्टी की आग में तपा तपा कर ही हथौड़े से पीटा जाता है। इस तरह धीरे धीरे ठनकू ठठेरे और झनकू कुम्हार के बर्तनों की लड़ाई बढ़ती ही गई बढ़ती ही गई। कुम्हार के बर्तन बोले, अरे जाओ जाओ जाओ, तपती दोपहरी में सुराहियों और मटकों का पानी पीकर ही लोगों की प्यास बुझती है। हाँ ठनकू के बर्तन फिर ठनके, अरे अरे सच तो यह है कि जितनी जरूरत हम पीतल के और तांबे के बर्तनों की होती है उतनी तुम्हारी नहीं। घर घर में थाली कटोरे और गिलास होते हैं, समझे? कुम्हार के बर्तनों को बहुत बुरा लगा। वे फिर बोले, अजी हम किसी से कम नहीं, बड़ी बड़ी दावतों में मिट्टी के बर्तनों का काम पड़ता है। मिट्टी के कुंडे में जितना अच्छा दही जमता है वैसा अच्छा दही अपने किसी धातु के बर्तन में तो जमा कर देखो। और बच्चों फिर तो दोनों तरफ के बर्तनों में वो लड़ाई हुई पूछो मत। मैंने अपनी आंखों से देखा, इस लड़ाई झगड़े में मिट्टी के बर्तन तो टूट फूट गए और ठनकू ठठेरे के धातु के बर्तन वो भी जगह जगह से पिचक गए। लेकिन बंजारन फिर क्या हुआ? अरे पोपटलाल मैं वही तो बता रही हूँ। हाँ बर्तन टूटे फूटे सो अलग, झनकू कुम्हार और ठनकू ठठेरे में भी जम कर लड़ाई हुई। दीनू बनिया ने
बहुत समझा बुझा कर झनकू कुम्हार और ठनकू ठठेरे को शांत किया। अब बच्चों सच पूछो तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसी बात तो आपस में करनी ही नहीं चाहिए। दुनिया में सब अच्छे हैं और सब बराबर हैं। अब देखो, अगर ठनकू ठठेरा ना हो तो धातु के बर्तन कौन बनाए? हाँ, अरे भाई, पीतल और तांबे के गिलास, कटोरी, लोटा और थाली की जरूरत तो हर घर में होती है। ये सब बर्तन ठठेरा ही बनाता है। पर बच्चों, कुम्हार भी हमारे लिए बड़े काम का आदमी है। ये मिट्टी के बर्तन ना बनाए तो हमें ठंडा पानी पीने को ना मिले। दूध दही के कुंडे और मटकियां कहां से आए? और तो और, दिवाली पर जलाने के लिए दिए कहां से आए? बोलो बोलो। हां, और फिर कुम्हार बच्चों के लिए तरह-तरह के खिलौने भी तो बनाता है। बच्चों, कभी तुम कुम्हार के पास खड़े होकर देखना कि वो बर्तन कैसे बनाता है। मैं बताऊं, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी ही काम में लाता है। चिकनी मिट्टी का एक लोंदा वो चाक पर रखता है और उसे घुमा घुमा कर मन चाहे बर्तन बना लेता है। दरअसल कुम्हार की उंगलियों में ही कमाल होता है। इसीलिए बच्चों, कुम्हार और ठठेरा दोनों ही हमारे लिए बहुत काम के हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आज जाकर कुम्हार और ठठेरे दोनों के बर्तनों को समझाऊंगी कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। और क्या? अरे बंजारन, आपस में झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। ओफो पोपटलाल, तुम बीचे मत बोलो जी। हां, लो बंजारन, अभी तो दोस्तों को समझा रही थी कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं और अब खुद ही झगड़ा कर रही हो। मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि भाई, आज तो कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब चलते हैं, आगे की बात तुम कल बता देना। चलते हैं चलते हैं, पर इतनी जल्दी भी क्या है पोपटलाल? जाते जाते बच्चों को अपना वो गाना तो सुना दूं। तो सुनाओ, 1 2 3। दोस्तों कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।